अजय माकन आए थे, अजय माकन चले गए। कहा जा रहा है कि दो दिनों के रायशुमारी के दौरान उन्होंने महामंथन किया है और उस महामंथन में जो अमृत निकला है उस अमृत को लेकर वो दिल्ली गए हैं। मगर सवाल उठता है कि जो विष पीछे वो छोड़ गए हैं उसका विषपान कौन करेगा, कांग्रेस में नीलकंठ कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात दो दिनों तक अजमेर से लेकर जयपुर तक रहे वही कांग्रेस का सच है जिसे कांग्रेस ही स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। खैर, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मगर जिस वक्त कांग्रेसियों का मन टटोल रहे थे अजय माकन अजमेर में और जयपुर में, उस वक्त कहा जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर राजीव जैन की नियुक्ति हुई, उन्हें लेकर कांग्रेसियों में एक बेचैनी है। पता नहीं सच या झूठ है, कहा जा रहा है कि उनके आरएसएस से अच्छे रिश्ते हैं, हालांकि कांग्रेसियों से भी अच्छे रिश्ते उनके रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक आरएसएस के जरिए अशोक गहलोत के नियुक्ति पर हमला हुआ है उससे सवाल तो उठता ही है कि आखिर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी क्यों ली जा रही है जब अपने मन से ही नियुक्तियाँ करनी है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब दे रहे थे कि हम वसुंधरा राजे का बंगला बचाना चाहते हैं और हमने कोई अवमानना नहीं की है, हमने नए नियम बना दिए हैं और नए नियम के अनुसार वसुंधरा राजे बंगले की हकदार है। यानी राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के बंगले को बचाने पहुंची है। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि झालावाड़ में कौन था जो वसुंधरा राजे और दुष्यंत जो सांसद हैं झालावाड़ के उनका पोस्टर लगा गया कि ये माँ बेटे गायब हैं। अब राजस्थान पुलिस कह रही है कि बिल्कुल अन्याय है, वसुंधरा जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टर तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का था जिस पर फोटोशॉप करके झालावाड़ में लगा दिया गया या झालावाड़ का होना प्रचारित किया जा रहा है। कमलनाथ की चिंता नहीं है कि राजस्थान पुलिस के साइबर शाखा को इस बात की चिंता है कि वसुंधरा राजे की बेइज्जती कैसे हो रही है। जिस तरह से वसुंधरा के लिए या फिर बीजेपी के समर्थकों के लिए अशोक गहलोत के दिल में प्रेम उमड़ रहा है उसे देखते हुए कहा नहीं जा सकता है कि कांग्रेसियों का जो दर्द अजय माकन के सामने उमड़ा है उसे कोई सुनेगा भी। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से जो प्रदर्शन हुए जयपुर में अजमेर में उसमें कहा गया कि ये नकली कांग्रेसी हैं, असली कांग्रेसी नहीं हैं। अब असली नकली कांग्रेसियों के बीच समस्या यह है कि कांग्रेस के नेताओं के जो समर्थक रहते हैं वही कांग्रेस के कैडर हैं, कांग्रेस का अपना कोई कैडर बचा नहीं है। ऐसे में अगर हाथ लहराते हुए चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए कोई कांग्रेसी मिलता है नकली ही सही, तो कांग्रेस को इस तरह के जोश की ऊर्जा की ज़रूरत है, उन्हें अपनाना चाहिए ना कि भगाना चाहिए, क्योंकि जोश देखे कांग्रेसियों में बहुत लंबा वक्त हो गया है और जनता की इमेज कांग्रेसियों के बारे में एक ऐसे नेता की बनी है जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के नौजवान ऊर्जावान नकली कांग्रेसी भी कांग्रेस को मिल रहे हैं तो उसे अपनाना चाहिए। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी से उन्होंने सत्ता केवल 1,42,000 ज़्यादा वोट लाकर छीनी है। ये वसुंधरा राजे और मोदी की लड़ाई की वजह से बिल्ली के भाग से छीका टूटा है। उन्हें इस बात का गुमान नहीं करना चाहिए कि बच्चा बच्चा घर घर से खलक की आवाज़ आ रही थी कांग्रेस को लाने के लिए और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वरना केवल 1,42,000 वोट नहीं आते। अगर 1,42,000 वोटों में गुर्जर वोट जोड़ दें, राजपूत वोट जोड़ दें, दलित वोट जोड़ दें, तो ये बड़ी रहस्य की बात है कि आखिर वो कौन सी जातियां थी 1,42,000 जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए ज्यादा बीजेपी से, इसकी वजह से सत्ता में आए हैं। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि दोबारा हमें सत्ता मिल सकती है। अगर दोबारा सत्ता मिलनी है तो आपस में इस तरह से सिर्फ फुटबॉल करने के बजाय अगर रायशुमारी हुई है तो उस रायशुमारी का इंतजार करना चाहिए और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। अब असली नकली का फेर तो यह है कि जो लोग कांग्रेस प्रत्याशियों को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं वो भी कांग्रेस के साथ हैं। अब उसमें असली कौन है नकली कौन है का भेद करने लगेंगे तो फिर कांग्रेस की सरकार चलेगी नहीं। ऐसे में अशोक गहलोत के ऊपर महती जिम्मेदारी है कि मोदी से मुकाबला छोड़ करके सचिन पायलट से मुकाबले में जो उनके मीडिया मैनेजमेंट के लोग लगे हैं या नेता लगे हैं उसे परहेज करें और घर के झगड़े को इस तरह से सड़क पर ना लाएं। फिर से कह रहा हूं कि अशोक गहलोत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो बड़े नेता हैं और घर के समेटने की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए। किस तरह से कांग्रेस राजस्थान में मजबूत हो, वरना बीजेपी तो इस इंतजार में बैठी ही है कि गलती करें और अगली बार 2023 में सत्ता में आए। अगर बीजेपी को सत्ता में
आने से रोकनी है तो अशोक गहलोत को सचिन पायलट को साथ लेकर चलना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।